नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज बताने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज़ के बारे में, एक गूगल प्रोडक्ट है जिसका नाम है ड्राइव। गूगल ड्राइव जिसको हम बोलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हर किसी के मोबाइल में गूगल ड्राइव जरूर होता है। अगर आप प्ले स्टोर में अपने ईमेल आईडी से आप प्ले स्टोर को ऑन करते हो तो गूगल ड्राइव आपके पास होता है, क्योंकि आपके पास एक ईमेल आईडी होता है जो gmail.com से आपने करा होगा तो उसमें गूगल ड्राइव जरूर होगा। जैसे कि आप ईमेल करते हैं या ईमेल अटैचमेंट वगैरह रखते हैं तो सारा गूगल ड्राइव में जाकर सेव होता है। आप कहीं से भी दुनिया के किसी भी कोने में से आप इंटरनेट चला के अपने जीमेल से अपने उसको ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं गूगल ड्राइव के बारे में कुछ और बताने वाला हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है, चलिए देखते हैं। तो पहले हम ड्राइव को खोलते हैं। खोलने के बाद इसमें कुछ खासियत है जो मैं आपको ये बता चुका हूँ गूगल ड्राइव क्या होता है। और इसमें कुछ खासियत की बात यह है कि इस ड्राइव के अंदर आपको 15 GB तक का डाटा आप स्टोर कर सकते हैं। मिनिमम 15 GB, अगर आपके पास एक ईमेल आईडी है तो आप 15 GB तक कर सकते हो। दो ईमेल आईडी से करेंगे तो 30 GB हो जाएगा। अब आते हैं कि इसको इस्तेमाल क्यों करते हैं लोग, ठीक है। तो क्यों करते हैं इस्तेमाल, तो जैसे आपके पास मेमोरी कार्ड है, पेन ड्राइव है, या आपके पास कंप्यूटर लैपटॉप वगैरह है, तो उसमें आप क्या करते हैं कि अपने जो भी डाटा होता है, आपके पर्सनल डाटा होता है जो आप सेव करके रखना चाहते हैं, तो उस कंप्यूटर में या पेन ड्राइव में सेव करते हैं, मेमोरी कार्ड में भी सेव करते हैं मोबाइल में। तो कभी कभी क्या होता है, पेन ड्राइव खो जाता है, मेमोरी कार्ड भी खो गया या डैमेज हो गया, क्रैप्ट हो गया, तो हमारे डाटा फिर हमें बैकअप नहीं मिलता। कभी कभी हमें क्या करता है, मोबाइल का जो कॉन्टैक्ट होता है उसको हमें सेव कर करना होता है, क्योंकि हमें कभी कभी मोबाइल को फॉर्मेट करना होता है, ठीक है। और कॉन्टैक्ट सेव करने की बहुत एक झमेला हो जाती है, तो यहाँ पर आपको मिलेगा कॉन्टैक्ट सेव करने के लिए बहुत ही आसान तरीका। और उसके बाद आप कभी भी कहीं भी किसी भी मोबाइल से अपने ईमेल आईडी से आप लॉगिन करके आप अपने सारे डाटा वहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। ये हो गया गूगल ड्राइव का काम क्या है या क्यों इस्तेमाल करते हैं। अब बताते हैं कि गूगल ड्राइव इस्तेमाल आप कैसे करेंगे। जैसे मैंने आपको यहाँ पे गूगल ड्राइव खोल के आपको दिखा दिया है, जैसे आपको खुलेगा। अगर आपके मोबाइल में गूगल ड्राइव नहीं खुल रहा है तो उसको अपडेट कर लीजिए। अपडेट करने के बाद इस तरह से खुलेगा। यहाँ पर लेफ्ट साइड में दो तीन यहाँ पे तीन रेखा आपको दिख रहे हैं, यहाँ से आपको पता पड़ेगा कि आपको गूगल ड्राइव में कितना GB है, कितना GB अपन यूज़ कर चुके हैं। तो यहाँ पर आप नीचे जैसे आएंगे तो यहाँ पर स्टोरेज ऑप्शन पर यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दिखाएगा कि कितना GB आपने यूज़ किया है। यहाँ पे 7.3 GB मैंने यूज़ किया है और 15 GB तक का मेरा करना है, ठीक है। 15 GB तक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे चीज़ें ऐसे हैं जहाँ से आप कर, यहाँ पे सेटिंग वगैरह भी है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि यहाँ से फोटो वगैरह कैसे परमानेंटली आपके गूगल ड्राइव में सेव कर सकते हैं। तो मैं एक फ़ोटो लूँगा और गूगल ड्राइव के अंदर मैं आपको परमानेंटली सेव कर दूँगा। उस फोटो का मोबाइल से डिलीट हो गया या मेमोरी कार्ड से डिलीट भी हो गया हो, उसके बाद भी हमें फ़ोटो मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक प्लस का बटन आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो प्लस का बटन यहाँ पे देख रहे हैं, प्लस का बटन से आप यहाँ पे गूगल ड्राइव के अंदर कोई भी आपका डेटा हो वो आप सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए आप देखते हैं, प्लस के बटन पे क्लिक करते हैं, ये कुछ और खुल गया, ओके। तो प्लस के बटन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन यहाँ पर आ गया है, फोल्डर अपलोड स्कैन गूगल डॉक गूगल शीट्स गूगल साइट्स। तो यहाँ पर आप अपलोड पेज अब जाएंगे, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, अपलोड पेज अब चले जाएंगे तो यहाँ पे वैरायटी आपको फाइल मिलेगा अपलोड करने के लिए, चाहे आपका APK फाइल हो, चाहे आपका कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अपलोड कर देता हूँ और अपलोड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे पूछ रहा है आपको क्या क्या अपलोड करना है, इमेजेस करना है, ऑडियो करना है, क्या क्या करना है। तो अगर मैं इमेजेस में जाता हूँ तो यहाँ पर मेरा फोटोज़ वगैरह है, तो मैं एक फ़ोटो सिलेक्ट करता हूँ, मेरा एक फ़ोटो लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो फोटो लेने के बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अपलोडिंग में आ गया, यहाँ पर बता रहा है वेटिंग फॉर अपलोड, और ये थोड़ी देर में ये 626 KB का था और यहाँ पर अपलोड कम्प्लीटेड हो चुका है, ठीक है। तो ये फोटो हमारा अपलोड हो चुका है। अब ये फोटो मेरे मोबाइल से या मेन ड्राइव से कहीं से डिलीट भी हो जाएगा, तो कहीं पर बैठे मैं इस फोटो को ले सकता हूँ, ठीक है। ओके दोस्तों, यहाँ पर मैंने बता दिया कि फोटो कैसे अपलोड करते हैं। इस तरह से आप वीडियो फोटो कुछ भी लेके अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक खास बात यहाँ पर है कि आपके पास जो आप ये अपलोड करेंगे तो आपका 15 GB तक का जो आपका लिमिटेड है वो ख़त्म होने के बाद आप कर नहीं सकते, ठीक है, फ्री में कर नहीं सकते। लेकिन यहाँ पर मैं बता दूँ, जब यहाँ पर बैकअप्स में आप जाते हैं तो यहाँ पर आपको बैकअप यहाँ पर शो करेगा, ठीक है। तो ये बैकअप का कहाँ गया मैं बता दूं, यहाँ पर जब आप ये सेटिंग में जब आप जाएंगे तो यहाँ पर एक अपलोडिंग का एक ऑप्शन आपको भाई बता देता हूँ। स्टोरेज यहाँ पर 7 पॉइंट अपग्रेड यहाँ पर स्टोरेज दिखाएगा, और यहाँ पर सबसे नीचे जब इधर आएंगे तो यहाँ पर ये डाटा यूजर्स जो है इसके ऊपर ज़रा ध्यान देंगे, क्योंकि ये मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ कि ट्रांसफ़र फाइल ओनली ओवर वाईफाई। तो यहाँ पर अगर आप इसको ऑन कर देंगे तो जब आप अपलोड करेंगे तो उस टाइम अपलोड नहीं होगा आपके गूगल ड्राइव के अंदर, लेकिन जब आप वाईफाई से कनेक्ट हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली अपलोड कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, इसको बंद कर रखा है, इसका मतलब
कि मेरे मोबाइल डाटा से भी ये अपलोड कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैं बताने वाला था अपग्रेड स्टोरेज के बारे में, स्टोरेज आप अपग्रेड के बारे में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आप चाहते हैं 15 GB से ज़्यादा मेरे को अपलोड चाहिए, क्योंकि आजकल मेमोरी कार्ड कितने सारे GB के होते हैं, पेन ड्राइव होते हैं, तो आप उस गूगल ड्राइव के अंदर बहुत सारा GB डाटा स्टोर करना चाहते हैं, तो यहाँ पर अपग्रेड स्टोरेज पर जब आप जाएंगे तो यहाँ पर गूगल आपको देगा बहुत सारा ऑप्शन, जिससे आप गूगल से उस प्रोडक्ट को ख़रीद भी सकते हैं। तो यहाँ पर आपको नीचे नीचे करके आप देख सकते हैं 15 GB जो फ्री है वो करंट प्लान के अंदर आता है। ठीक है, हर जीमेल अकाउंट होल्डर के पास ये चीज़ होता है। अगर आपके पास 1, 2, 3 अकाउंट आप बना लेते तो आप 15 प्लस 15 प्लस 15 करके 45-60 GB तक का कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर 100 GB का प्लान है जो 130 रुपये पर मंथ है, अपग्रेड करके कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे प्लान हैं, या मोर ऑप्शन पर जाएंगे और भी सारे प्लान यहाँ पर आ जाएगा, 2 TB तक के 650 रुपये मंथ। तो यहाँ पर ये सारे 20 TB 30 TB करके टेराबाइट इसको बोलते हैं। ठीक है, 1 TB 1024 GB का होता है। तो यहाँ पर इतने सारा ऑप्शन यहाँ पे है, आपको अगर ज़्यादा GB चाहिए, ज़्यादा यूजर्स है, तो आप यहाँ पे ख़रीद सकते हैं और अपने प्लान को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपके गूगल ड्राइव का क्या स्टोरेज है, गूगल ड्राइव क्या काम करता है, किस तरह करता है, किस तरह अपलोड करता है, किस तरह आपका मदद करता है। अगर आपके मोबाइल आपने फॉर्मेट कर दिया और आपको डेटा चाहिए तो उसी आपके अकाउंट को ऑन कीजिए और वहाँ से बैकअप आप अपने आप ही कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक और बताने वाला था कि गूगल ड्राइव के अंदर अपना जो फ़ोन का कॉन्टैक्ट है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कॉन्टैक्ट्स, क्योंकि वो डिलीट हो जाता है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, बाकी डेटा फोटोज़ वगैरह के लिए इतना ज़्यादा लोग परेशान नहीं होते हैं। तो कॉन्टैक्ट्स के लिए जो मैं बताने वाला गूगल ड्राइव से किस तरह कॉन्टैक्ट्स करेंगे, थोड़ा सा बड़ा होगा क्योंकि कॉन्टैक्ट्स का बैकअप लेना बहुत ज़रूरी है, उसके लिए अलग से ऐप्स भी डाउनलोड करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट वीडियो आप देख लीजिए, अभी मैं 1 घंटे के अंदर ही नेक्स्ट वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। तो वहाँ जब जाएंगे तो आपको मिल जाएगा कि किस तरह से कॉन्टैक्ट को गूगल ड्राइव के अंदर सेव कर सकते हैं परमानेंटली और कभी भी उसको लेके फिर आप अपना यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा आज के वीडियो, तो उम्मीद वीडियो अच्छा लगा इसको लाइक और शेयर कीजिए और बेटा सब्सक्राइब नहीं कर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।